एक मिनट रुको मे को आई जस्ट ओके परफेक्ट थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दिस अगेन एज यूजुअल आई वाज माई आई वाज ट्रैवलिंग टुडे यहां तक आई फो गॉट माई चार्जर माई फोन फोन गॉट स्विच ऑफ सो मेरे को आपके कॉमेंट थोड़े धीरे धीरे दिखेंगे आज बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यू से मेक श्योर कि आप लोग को मैं ठीक से पढ़ा पाऊँ है ना सो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स इन कंप्लीट डिटेल सो प्लीज मेक यूर नोट द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मतलब आप देख सकते हो कि दोनों ही टॉपिक्स सो so, एक तो प्योरली इज अ नेशनल टॉपिक सेकंड इज एन इंटरनेशनल टॉपिक विद रेलिवेंस फॉर इंडिया बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिसाइडेड राइट नाउ इन जी ट्वेंटी समिट राइट तो इसलिए दोनों टॉपिक बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं हमारे लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लैट और एनी अदर एग्जाम जो भी आप दोगे आगे जाके सो मेक श्योर देट यू गाइज डू दिस प्रॉपरली है ना आपने अच्छे से नोट्स बनाना मैं आपको मोस्टली फैक्ट्स ही बताऊंगा फालतू का इधर उधर का थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे राइट सो स्टार्ट कर दें राइट एक सेकेंड यार मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूं ठीक तो है गुड इवनिंग आईज गुड इवनिंग वेलकम बैक गुड टू सी यू ऑल योर ठीक है तो शुरुआत करते हैं यार आई डोंट कर देस सम इशू विद दिस एक सेकंड रुक जाओ बस एक सेकंड और चाहिए मुझे ओके okay, चलो लेट्स गो सो ठीक है फटाफट स्टार्ट कर दें सो so, यहां पर यू वुड सी कि प्रोजेक्ट चीता को uh, एक साल हो गया हाल ही में द हिंदू में ये आर्टिकल आया था कि प्रोजेक्ट चीता ने अपना एक साल पूरा कर लिया सो दैट समथिंग दैट्स गोइंग टू बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वॉट इज प्रोजेक्ट चीता क्यों ये इतना रेलिवेंट है लास्ट ईयर इसकी काफी ज्यादा हाइप हुई थी जब इसको लॉन्च किया गया था तो मैं आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ देखो जैसे जब हम लोगों ने चीता आई थिंक स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा है कि चीता इज फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड एंड ऑल ऑफ तो यहां पर इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे मतलब अच्छा थोड़ा सा लाइट में चला गया रुको यहां पर लिख देता हूँ चीता आफ्टर दैट सो फॉर अ पीरियड ऑफ सेवेंटी ईयर हमारे पास चीता रहे ही नहीं बिफोर इट वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन ट्वेंटी हमारे पास सत्तर साल तक इंडिया में चीता एक भी नहीं था ठीक है इट वॉज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हमारे पास कहीं भी आप चीता इंडिया में पाओगे नहीं सो द गवर्नमेंट मेड अ प्लान और ये प्लान 2010 से चल रहा था फाइनली इन 2022 इट एग्जीक्यूटेड द गवर्नमेंट कि हम लोग इंडिया में चीता को लेकर आते हैं लेट्स ब्रिंग चीता बैक टू इंडिया बिकॉज अभी आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वो भी चलाया वो बिग कैट अलायंस जिसको बोलते हैं

जिन जिन भी कंट्रीज में होंगी वो सारी कंट्रीज कोऑर्डिनेट करेगी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेगी एंड देन दे यू कुड से ट्राई एंड वर्क ऑन प्रमोशन और यू कुड से प्रोटेक्शन ऑफ दीज पर्टिकुलर एनिमल्स की आगे जाकर एक्सटिंक्ट ना हो जाए ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ इनकी फोटोज और कभी इनको देख ही ना पाए अगर आप चीता की बात करो ना अगर जनरली अगर आप देश से बाहर जाकर इसको ना देखो तो हमारी जनरेशन और हमारी पेरेंट्स की जनरेशन इनफैक्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट हैव नेवर सीन अ लाइव चीता इन इंडिया 1952 के बाद वो एक्सटेंड हो गए थे ठीक है तो लोगों ने देखे ही नहीं ये चीता तो दिस इज द लेवल राइट क्या वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या फोकस का इशू हो रहा है नहीं आई थिंक ठीक चल रहा है ना ब्लर आ रहा है क्या चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रुको एक सेकंड एक सेकेंड सेकें, लेट मी चेक दिस अब नहीं आना जी अब शायद सही रहेगा हाँ? हाँ, अब दिख जाएगा है ठीक है अब नहीं होना चाहिए हो anyway, so, uh, क्या था सो तो, अभी पता क्लास शुरू होने से पहले क्या हुआ आई एल टेल यू मेरे को एक बार एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा था कि क्लास हो नहीं पाएगी बिकॉज नौ बज के बारह मिनट हो रहे थे राइट और फॉर सम रीज़न कैमरा चलना ही बंद हो गया इट इट इज इट वाज नॉट वर्किंग तो मैंने इसको एक बार मतलब ऑफ करके ऑन करा तो भी ऑफ हो गया वो कुछ भी हो गया एंड आई वाज लाइक कि यार अब लास्ट मोमेंट पे आई हैव कम सो फार बट देन नाउ फाइनली फिर वो चलने लग गया ठीक है तो so, अब तो है, think, अब ठीक है आई थिंक अब कोई इशू नहीं होना चाहिए ठीक है

मतलब डेज अगो का आर्टिकल था वो तो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में okay? अब प्रोजेक्ट चीता है क्या वॉट इज दिस वॉट इज दिस काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव तो ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है मतलब एक दूसरी कंट्री से एक दूसरी कंट्री में लार्ज कैट्स जो होती है ना जैसे चीता इज एन एग्जाम्पल उनको ट्रांसपोर्ट करने का पूरा प्रो, एक तरह से कह सकते हो प्रोजेक्ट है है ये ठीक दिस कम्स अंडर दैट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू चीता अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया इसका नाम लिख लेना ये ऑफिशियल है जो मैंने आ, यहां पर बोल्ड में किया हुआ है न, name, right? so, in ना दिस इज ऑफिशियल नेम राइट सो दिस इज द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया प्लीज लिख लेना ये ओके प्लीज प्लीज राइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट तब तक मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है अरे ये क्या तो हो गया यार ये तो ही ब्लर हो गया एक सेकेंड लेट मी फिगर दिस आउट आई डोंट नो द इशू इज रुको 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 मेरे को चेक करने तो आई थिंक मेरे को कुछ शॉर्ट आउट करना पड़ेगा ये एक मिनट एक सेकंड यार ये आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग यार ये तो अभी तो सही चल रहा था बिल्कुल ही एक सेकंड ओके इट्स बैक 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 गाइस सॉरी 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 फॉर दिस प्रॉब्लम ठीक है तो यहां पर प्रोजेक्ट चीता यहां पर हम लोग ये कर रहे थे तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था ठीक है तो बधाई हो सबको हम लोग वापस so, आ चुके हैं क्लास में सो यहां पर आ, जो अफ्रीकन चीता रि इंट्रोडक्शन प्लान था ना ये 2009 में ही कंसीव हो गया था ये प्लान हमने बना लिया था ठीक है द प्लान वाज ऑलरेडी मेड इन 2009 बट देन इसको हमको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगा एंड इट वाज अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेड इन ट्वेंटी प्लीज लिख लेना ये 2009 भी लिख लेना मुझे ना मुझे खुद की नजर लग गई क्लास ही नहीं हो पाएगी तो ऐसे बताओ आग पे चल के क्लास लेनी पड़ती कभी कभी ठीक है anyway, एनी चलो तो यहां पर जो पहला बैच ऑफ चीता था द फर्स्ट बैच ऑफ चीता जहां पर आठ चीता आए थे दे केम फ्रॉम नमीबिया नमीबिया इज अ कंट्री इन अफ्रीका ठीक है फर्स्ट बैच ऑफ चीता ऑन लास्ट ईयर जिसको हमने प्रोजेक्ट चीता के नाम से जाना जैसे हमारा एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट टाइगर भी है जिससे हमने इंडिया में टाइगर की को काफी बढ़ाया है 50 right? तो यहां पर आप देखोगे स्टार्ट कि किया था लास्ट ईयर ठीक है ना जान बुझ के आई लाइन न्यूज पेपर मैं आपसे नाम नहीं लूंगा न्यूज पेपर का उस न्यूज पेपर में लिखा था एक्जेक्टली लाइन पढ़ो ट्रांसलोकेटेड कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश क्या सेंस है इस बात का बताओ है ना डेट द प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर राइट मतलब दैट इज वाय ब्रॉड दिस वे तो चीता को ट्रांसलोकेट किया गया था कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है वेयर द चीताज वर सेंट ठीक है तो 12 चीता उसके बाद में साउथ अफ्रीका से लाए गए है ना जो पहले नमीबिया से आठ लाए गए फिर उसके बाद में 12 तो टोटल 20 चीताज हो गए थे राइट तो दे वर ब्रॉट इन फरवरी 23 ठीक है कुनो नेशनल पार्क अगेन सेम प्लेस इनको कुनो नेशनल पार्क में भेजा गया ठीक है तो कुनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको आपको सबको पता है ना नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब होते हैं जहां पर थोड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं यहां पर कोई भी जा नहीं सकता किसी भी एक्टिविटी के लिए चाहे वो हंटिंग हो डिफॉरिस्टेशन हो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो कुछ भी नहीं हो सकता तो इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था ट्वेंटी में कुनो नेशनल पार्क को एंड इट वॉज री इंट्रोड्यूस इन दी कुनो नेशनल पार्क ठीक है तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आठ सीता कुनो नेशनल पार्क में भेजे तो 12 चीता ने भी यही बोला कि हम भी साउथ अफ्रीका से आए तो हमको भी वही जाना है तो रातों है। है? रात मेरे, तो मेरे घर से उठा लिया जाएगा है ना जिस तरीके की क्लास में कभी कभी बातें करता हूँ ना आप लोग बोलोगे कि सर आज क्लास क्यों नहीं है और मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मेरे को तो कहीं उठा लिया गया एनी anyway, वे तो आ ये मेजरली छ पॉइंट्स हैं जो इस प्लान ने लिस्ट किए थे ठीक है अब के क्या पॉइंट्स हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे और थोड़ा सा मतलब मुझे ऑनेस्टली अगर मैं आपको जनरली पर्सनल ओपिनियन देता नहीं हूँ बट अगर पर्सनल ओपिनियन तो मेरे को फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो हम लोग ना बीस चीता लेकर आए थे टोटल एंड वी वर एक्सपेक्टिंग हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि इसमें से फिफ्टी तक ही बचेंगे मतलब आपको ऑलरेडी आपने अपना ड्यू डिलीजेंस कर लिया आपको ये पता है कि ये चीता 50 परसेंट तक मर सकते हैं

सो so, यहां पर एक प्लान था कि दे वुड बी यू कुड से उनको ऐसे जगह पर छोड़ा जाएगा जहां पर दे कैन रिप्रोड्यूस एज वेल और वो और चीता को यू कुड से और चीता बर्थ ले सकते हैं तो इसलिए सक्सेसफुल चीता रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ देयर प्लान कि दिस शुड ऑल्सो ताकि चीता की पॉपुलेशन इस तरह से बढ़े ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर जो उनका नया जनरेशन पैदा होगा उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं ना ये तो आसान सा हमको बायोलॉजिकल वर्ड हमको पता ही है

इट right? उसके बाद में जो चीता बेस्ड रेवेन्यू होंगे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी लाइवलीहुड एज वेल है ना तो चीता अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल चीता से कैसे रेवेन्यू हो सकता है हम लोग इसको खोल सकते हैं सफारी वगैरह के लिए क्नो नेशनल पार्क में है ना जहां पर लोग देखने आएंगे वो रेवेन्यू वहां से रेवेन्यू वगैरह होगा कई सारे और तरीके हो सकते हैं इसके लिए तो उसको कम्युनिटी लाइवलीवुड के लिए जो भी मतलब आसपास की कम्युनिटीज होंगी उनके लिए यूज किया जाएगा तो ये छह ऑफिशियल पॉइंट्स थे अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन सिक्स ऑफिशियल पॉइंट देर ठीक है तो ये छह शॉर्ट टर्म सक्सेस क्राइटेरिया बनाए थे सरकार ने कि हम अगर ये सब कर पाएंगे सो वी वुड कंसिडर दैट दिस प्लान इज सक्सेसफुल अब कर पाए या नहीं कर पाए हम आगे जाके समझेंगे बट दिस इज वॉट दे हैड डिस्कस्ड ओकेज इम्पॉर्टेंट हा ओके अब यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है ये प्लीज लिख लेना अगेन दिस इज अ वेरी ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड हंड्रेड थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स ठीक है वन लाख ,00 स्क्वायर किलोमीटर बोल लो उसका प्रोटेक्टेड एरिया इनको दिया गया था उसके अलावा सिक्स हंड्रेड थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर छह लाख ,00 स्क्वायर किलोमीटर का सूटेबल हैबिटेट दिया गया था इन स्पीशीज को तो आप सोचो कितना सारा एरिया दे रखा है ना लाइक और मध्य प्रदेश इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाओ अभी अगर क्लास में कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप जो सबसे अगर इनके घर में गेस्ट आते हैं ना तो ये उनको घुमाने किसी ना किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में ले जाते हैं है ना या तो वो उज्जैन वाला मंदिर फेमस है जहां पर आजकल सब लोग जाने लग गए और लोगों को ऐसा बिलीव होने लग गया कि भाई यहां पर जाते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है अदरवाइज दे विल टेक यू टू अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना तो यहां से जो जो लोग एन भोपाल जाएंगे वो लोग काफी सारे नेशनल पार्क वगैरह घूमेंगे ठीक है तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अप्लाइड और यू कुड से इंप्लीमेंटेड बाई दी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी सी एन टी सी एज द मेन अथॉरिटी ऑब्वियसली दे हैव कोलेबोरेट विद सम अथॉरिटीज विच इज द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक है और बाकी जो नामीबिया साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स आए थे वो तो है ही बट इंडिया से तीन मेजर इंस्टीट्यूट है द एन टी सी एज दी मेन वन क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग करें तो वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल कम इन टू प्ले एंड दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये तीसरी कैटेगरी है ओके okay. ठीक है इस क्लियर ये मैं देखता हूं कई बार ना आप लोग टॉपिक के अलावा यहां पर चैटिंग कर रहे होते हो कमेंट बॉक्स में ये क्या ये एक घंटे में रोज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यहां पर अपने आ, दुखड़े सुना सके सब कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या यहां पे हो रहा है ये है ना क्लास की चीजें डिस्कस करो कुछ डाउट हो तो वो डिस्कस करो एक दूसरे से वो पूछो यहां पर मतलब ऐसा लगता है कि चलो पूरे दिन मेहनत कर ली अब रात को थोड़ी देर बैठते हैं कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देंगे काम की बात करो है ना और ये मेरे को बहुत अजीब लगता है पता है जेनुअनली मैं कई बार देखता हूँ कुछ कुछ कुछ, कुछ ग्रुप्स भी हैं है ना तो ऐसा क्या होता है टेलीग्राम पर लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कई बार बच्चे बताए क्या करते हैं जैसे मान लो कि मेरे को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है एज अ स्टूडेंट तो अब मेरे कोई करंट अफेयर कोई बोलेगा कि यार कहाँ से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर तो एक अब मैं ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कम से कम पढ़ना चाहूंगा है ना तो मेरे को कोई आकर बोलता है कि जो भी मैं आएंगे, और तीन चार उस बात को अग्री भी कर रहे होते हैं कि भाई शॉर्टकट बहुत सही ब, सही बता दिया तूने क्योंकि मेरे मन में तो होता है कि मेरे को मे से पढ़ना है और किसी ने उस बात को हाँ भी बोल दिया तो मैं भी मैं भी जो डूबूंगा वो भी डूबेगा साथ में राइट कभी भी किसी क्लैट एस्पिरेंट की बात मत मानना विद रिस्पेक्ट टू एनी ठीक है वो अपना आपको आइडिया बताएंगे वो भी क्लैट एस्पिरेंट है राइट तो प्लीज ये समझ के चलो कि वो भी आपके लेवल पर ही है ना दिस इज दिस मैं ये डेली बेसिस पर देखता हूं कि भाई ये कर ले ये कर ले ये कर ले बस ये कर ले अब मैं मैं अपने कॉमेंट्स तक में देखता हूं कई बार बच्चों को कुछ कुछ को बता रहा होता है फाइव एल भी तो बेकार है थ्री एल भी कर लो भाई ये क्या मतलब है इस बात का ठीक है एनी तो यहां पर मिस्टर राजेश गोपाल चेयरपर्सन है ऑफ द चीता प्रोजेक्ट स्टियरिंग कमिटी बाय दी सी है प्लीज लिख लेना राजेश गोपाल का नाम लिख लेना तो इसीलिए थोड़ा सा ना खुद का दिमाग लगाया करो कभी कभी, कभी कि, कि, कि किसी की भी बात नहीं माननी है इतना गलीबल नहीं बनना है लाइफ में और आप तो लॉयर बनने वाले हो भाई आपको तो कोई भी कुछ बोल ही नहीं सकता है ना तो लॉयर्स आर दो पीपल हु डू देर ओन रिसर्च हु अंडरस्टैंड इज राइट एंड रॉन्ग फॉर देम एंड देन टेक स्टेप्स बोल दिया कि चलो अच्छा छह महीने कम पढ़ने पड़ेंगे तो मजा मतलब ही आ गया right? तो चेयरपर्सन है।, है समझ लेते हैं तो अभी जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि पचास परसेंट करना है नहीं करना तो यह हो चुका है ठीक है फिफ्टी परसेंट वीव रीच मतलब सम चीता है ऊपर हमारे पास बच गए ट ऑफ होम रेंजेस अभी आपने रिसेंटली फॉलो करते हो उससे रिलेटेड तो आपने ये भी देखा कि कुनो नेशनल पार्क में कुछ कब्ज पैदा हुए थे प्लान हमारे थे वो हो चुके और जो हम लोग वो एफ वन वाली बात कर रहे हैं ना जो फर्स्ट जनरेशन वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो तो जब ये वाले कब्ज बड़े हो जाएंगे ना थोड़ा तब हो पाएगा तो वो इतना इतना एक साल जितना शॉर्ट टर्म नहीं है विल टेक लाइक टू हैपन ना वो इतना छोटा नहीं है तो इसीलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने अचीव अभी तक कर लिया है मतलब क्या होता है गंदगी है ना लिटरिंग का मतलब होता है कि भाई आपने कुछ खाया और फेंक दिया रैपर लेकिन लिटर ऑफ फोर कब्स का मतलब ग्रुप ऑफ फोर कब्स ठीक है चार चीता के बच्चे से एक ही पाया, तो वो जो है मतलब, डेथ हो गई यहां पर ही होता है ना है, कुछ साल पहले आई है मतलब, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना तो आ, हमारे घर के घर के बाहर ना एक छोटा सा मतलब वो लॉन तो नहीं बोल सकते मतलब वो पेड़ उगे हुए होते ना थोड़े क्यारी टाइप है तो वहां पर देर वॉज दिस डॉग फीमेल डॉग एंड शी केम एंड शी गेव बर्थ टू अबाउट सिक्स और सेवन डॉग्स और ये डॉग्स में होता है वो एक साथ काफी सारे बच्चों को पैदा करते हैं तो छे सात बच्चे एंड वी हैड नो आइडिया क्या हुआ बट अब वो इतने छोटे बच्चे थे तो उनको छोड़ भी नहीं सकते तो मतलब मैं है ना हमने उनको बड़ा करना शुरू करा उसकी उसकी जो मॉम होती है उसको दूध पिलाया करते थे है ना ताकि वो बच्चों को पिला सके ऑल ऑफ दैट अब ऑब्वियसली अगर आप डॉग को बड़ा करोगे तो आप उससे इतने अफेक्शनेट हो जाते हो सो so, हमने उनको बड़ा किया फिर मतलब हमने उनको इतना बड़ा कर दिया कि उनमें से एक फीमेल डॉग थी शी ऑल्सो गिव बर्थ टू थ्री पप्स तो हमारे पूरे घर में इतने सारे डॉग्स हो गए थे कि मतलब माय पेरेंट्स वर लाइक कि भाई इनके साथ में तुम्हें तुझे ही बाहर निकाल देंगे क्योंकि देर आर सो मेनी डॉग्स टू टेक केयर ऑफ मतलब हमारे घर में हमारा इतना खाना नहीं बनता था जितना उन लोगों का खाना बनता था सो वो बट बट आई मीन जेनुअनली जिन जिन लोगों को पसंद है ना डॉग्स तो वो मतलब दैट समथिंग गुड आप एन में जाओगे ना आपको एकदम अलग टाइप के लोग मिलेंगे तो एन में क्या होते हैं थोड़े से प्रिविलेज से बच्चे आते हैं तो उनका ना अपना अंडरस्टैंडिंग है चीजों का तो मैंने मतलब यहाँ पर देखा है अगर आप डॉग्स पसंद करोगे और आपको लगता है कि आपने कॉलेज में किसी डॉग को खाना खिला दिया है पसंद कर लिया सो दे वुड कॉल यू एनिमल लवर अब कोई आगे बोल दे कि यार हम लोग ना घर में हमने दो भैंसे बांध रखी है और हम उसको बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और ना बहुत अच्छे से रखते हैं तो वो आपको गंवार बोलेंगे ठीक है तो मतलब यहाँ पर गाय भी और भैंस भी एनिमल ही है ना बट दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट तो यहां पर बहुत अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको ठीक है है तो एक सर्वाइविंग सर्वाइविंग कब कब था एंड दैट इज डूइंग वेल नाउ ना आई एम श्योर ये जो ये इतने हंस रहे हैं ना बच्चे यहां पर कई सारे ऐसे ही हैं कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे घर में तो भैंसे बंदी हुई है तो इनको लगेगा कि गवारो बात ही बात कर रहे हैं और मैं मैंने अभी बोला मैंने इतने सारे डॉग्स को खाना खिलाया तो सारे एकदम ऑ वाले बात पे आ गए थे तो कितनी अच्छी बात है ऑल ऑफ दैट सुधारो सुधर जाओ भाई थोड़ा सुधर जाओ ठीक है तो यहां पर अभी अगर आप देखोगे ओनली ट्वेल्व ऑफ दी द्वेंटी चीता एवर रिलीज इन टू अ फ्यू बी ब्रॉड मैक मल्टीपल टाइम नेशनल पार्क तो यहां पर हो क्या गया था कि सारे के सारे चीता को कुनो में नहीं छोड़ा गया था क्योंकि कुछ कुछ को वापस कैप्चर भी कर लिया गया मतलब वापस भी ले लिया गया बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन अभी ऐसा हो रहा है कि मोस्टली सारे चीता वापस कैप्चरिंग में है कुछ एक वापस से प्लान बन रहा है बिकॉज हम लोगों ने सोचा था ना जितने बच जाएंगे उससे कम बच पा रहे हैं मतलब फिफ्टी परसेंट वाला टारगेट से नीचे नहीं गए हम लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए बिकॉज हर कित आठ दिन में दस दिन में एक न्यूज आ रही थी कि एक चीता की डेथ हो गई है ना दैट क्रिएटिंग तो ऑफ दी केम फ्रॉम अफ्रीका सो फार छह चीता मर चुके हैं और अभी जो बाकी जो चौदह सर्वाइविंग सीता है, च, चीता है है एक जो कब है ना दैट इज ऑल इन कैप्टिविटी कैप्टिविटी मतलब उनको अभी तक हमने रखा हुआ है यहाँ पे सो दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या है अभी ना बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी मैं आपको आगे जाकर उसके बारे में समझाऊंगा

ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी दोनों मध्य प्रदेश में ही है ठीक है सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नौरा देख तो उससे बीमारियां हो जाती है मतलब आई थिंक थोड़ा अब यार ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और एवरीथिंग इज लाइक अ प्लस माइनस टाइप्स एनीवे लिख लो गांधी सागर हाँ मतलब वही है ना कि हम लोग यहाँ खड़े खड़े आसानी से बोल सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट आई थिंक इट इट्स ऑब्वियसली लाइक मेड एज पर अ प्लान है ना हम लोग तो मतलब ठीक है इट्स इजी फॉर अस टू कॉमेंट ऑन एवरीथिंग बट एनी वे तो यहां पर अभी जब एक साल हुआ ना तो हीरो मोटो कॉप ने यहाँ पर 50 मोटर बाइक्स डोनेट करी अब आप सोचोगे कि मोटर बाइक का चीता से क्या मतलब है एक नॉर्मल मोटर बाइक की स्पीड से अगर चीता आपके पीछे भागा तो वो पकड़ लेगा आपको लेकिन वो मोटर बाइक इसलिए है जो भी कुनो का फ्रंट लाइन स्टाफ है मतलब जो चीता की देखरेख करता है वहां पर अंदर फिगर आउट करता है है कि मतलब चीता कैसे है, सेफ है या नहीं है कभी कभी आपको अंदर जाकर उनको पकड़ना पड़ता है है ना तो इसीलिए ये मोटर बाइक दी गई ताकि वो फ्रंट लाइन स्टाफ वो चीता की बेटर मॉनिटरिंग कर पाए है ना दैट इज द रीजन दैट बेटर मॉनिटरिंग कैन बी डन राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ चीता के बारे में

चीता फास्ट है, है और बचपन में ना कभी किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि चीता इंडिया में होते नहीं है जेनविनली मेरे को भी लास्ट ईयर पता चला था ये जब ये प्रोजेक्ट आया था ना जब पता चला कि अच्छा चीता पिछले सत्तर साल से इंडिया में है ही नहीं क्योंकि हमको तो चीता लेपर्ड और जगुआर एक ही लगेगा और लेपर्ड तो इंडिया में काफी सारे हैं कभी कभी तो शहरों में भी आ जाते हैं है ना अभी तो रिसेंटली दिल्ली के कोर्ट में आ गया था है ना दिल्ली या शायद गाजियाबाद के कोर्ट में आ गया था चीता आप सोचो आप कोर्ट जा रहे हो आप नॉर्मली आप इंटर्नशिप के टाइम पे या फिर आप जॉब के टाइम पर आपको चीता दिख रहा है कोर्ट में है ना बहुत कैरी है कुछ कुछ चीजें ठीक है तो इसका ये साइंटिफिक नेम है लिख सकते हो पूछा जा सकता है ये ठीक है तो दिस इज एकिनोनिक्स जुबैटस ठीक है तो चीता एक्चुअल मतलब इंडियन वर्ड ही है ये संस्कृत वर्ड है क्योंकि संस्कृत इंडिया से ओरिजिनेट हुई है विच मीन चित्राक चित्राक का मतलब होता है स्पॉटेड वन मतलब चीता को देखो ना स्पॉट्स होते हैं बहुत सारे उसके बॉडी पे तो इट्स स्पॉटेड वन राइट तो आप देख सकते हो कि इंडिया में जो लास्ट चीता स्पॉट हुआ था बिफोर 2022 व्हेन इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड वो छत्तीसगढ़ के साल फॉरेस्ट में हुआ था 1948 में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद में कई सालों तक तो उनको ढूंढा गया फिर नहीं मिले 1952 में उनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट कर दिया गया 1952 में बताया गया कि एक्सटिंक्ट है अब नहीं होंगे चीता राइट right? और फिर उसमें मतलब चीता का ऐसा है कि ये ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आजकल देर आर सम्रीकन कंट्रीज देर यू विल फाइंड दैम बट देर गेटिंग एक्सटेंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज लेटली तो आप देखो नाइनटीन फोर्टीज के बाद में चौदह ऐसी कंट्रीज़ से एक्सटेंट हो गए तो चीता का शायद थोड़ा सा इशू तो है है ना नाइजीरिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बिल्कुल नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता ठीक है तो हम लोग दो हजार दस से तो मैंने आपको बताया ना दो हजार नौ में हमने प्लान बनाया था कि हम चीता वापस लाएंगे तो 2010 से 4 दिसंबर को हम इंटरनेशनल चीता डे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिस दिस इज इज नॉट इंडिया इंटरनेशनल चीता चीता डे और का अगर आप देखोगे ना तो उनको इंटरनेशनली भी आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाला गया है मोर ऑफ द्ले आई यू सी एन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है तो आई यूसी ने उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला है जो एशियाटिक चीता है उसको और जो अफ्रीकन चीता है उसको वलनरेबल क्योंकि अफ्रीका में अभी फिलहाल है हम भी अफ्रीका से लाए ना साउथ अफ्रीका भी तो एशिया में तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि ऑलमोस्ट कुछ कुछ कंट्रीज में खत्म ही हो गए जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मोरलेस खत्म ही थे वो तो हमने री इंट्रोड्यूस कर लिए और साइट्स में तो अपेंडिक्स वन में क्या होता है अपेंडिक्स वन में वो जानवरों के नाम लिखते हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में है ना दैट आर नॉट डूइंग वेल वो एनिमल जो मतलब आगे जाकर जिनको एक तरह से कह सकते हो कि आ, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम टाइप्स तो वो अपेंडिक्स वन में आते हैं ओके तो ये लिख लेना ठीक है अब ये मैं आपको बता रहा था रेडियो कॉलरिंग वाला अब रेडियो कॉलरिंग क्या है

ठीक है, so, ये बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा ना इंडिया में हुआ था कि ये मर जाएंगे काफी सारे चीता दैट इज वाइट इट वॉज रिमूव लेटर है ना ब्लर आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है दिख तो रही है मतलब दिख तो रहा है ना आई गेस

सस्पेक्टेड दिस पर्टिकुलर डिजीज इसके इसका नाम लिख लेना ठीक है एक मिनट विच इज कॉल्ड सेप्टिकेमिया सेप्टिकेमिया से ठीक है तो ये कॉलर की वजह से इंजरीज़ हो गई लॉर्ड ऑफ चीता डायर बिकॉज ऑफ दैट ठीक है दिस इज सेप्टिकेमिया तो यहां पर एनटीसीए जो मेन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं इसको 2005 में फाउंड uh, किया गया था इट इज इन 2005 इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसके फिलहाल चेयरपर्सन है इस पॉलिटिशियन को प्रशांत uh, प्रकाश जावड़ेकर एंड हेड क्वार्टर्स का डेली में ये लिख लेना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये ठीक है प्लीज राइट दिस ओके okay, चलो गुड अब विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वेरी क्विकली आई एक्सप्लेन दिस एज वेल ठीक है बहुत आसान टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं आपको दो मैप्स के थ्रू पहले समझाऊंगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको हाल ही में जब अपना जी ट्वेंटी समिट हुआ ना तो जी ट्वेंटी सम्मिट में इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप ठीक है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इनके बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी की बात चल रही है अभी ठीक है कि देर विल बी अ रेल रूट एंड देर विल बी अ सी रूट ऑल्सो तो आपको ये जो पॉइंटेड रूट दिख रहा है ये पूरा सी रूट बनेगा ये पूरा रेल रूट है और फिर वापस सी रूट है राइट तो रेल सॉरी सी रेल एंड सी ऐसे करके रूट बनेगा तो इंडिया से पूरा कनेक्ट होगा आगे ग्रीस तक राइट तो इससे क्या होगा काफी ज्यादा आसान होगा कनेक्टिविटी बढ़ाना सामान को ट्रांसपोर्ट करना अब क्यों बना रहे हैं हम ये क्यों हम फ्लाइट से नहीं भेज सकते वाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ अ रूट और अभी तक क्यों ऐसा नहीं बना था नो वी आर क्रिएटिंग दिस बिकॉज चाइना इज क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस और इसको रफली स्पीकिंग 147 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है इट इज कॉल्ड वन बेल्ट वन रोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव ऑफ चाइना चाइना दैट हैड स्टार्टेड 10 इयर्स अगो इन 2013, राइट right? अब 2013 में चाइना ने देखो अपने वहां से शुरुआत करी है और कहां कहां तक जा रहे हैं देखो मॉस्को बेल्जियम यूरोप भी उन्होंने खेच लिया यहां पर देखो ये केनिया दिस दिस इज इज ऑल अफ्रीका ठीक है दिस सदन, आ, सा, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया ने मना कर दिया है लेकिन ना इनकी एक पार्ट ऐसी है जो हमारे पीओके से होती हुई जाती है और पीओके पाकिस्तान खुद को खुद का मानता है लेकिन इंडिया बोलता है कि भाई लीगली वो हमारे अभी भी हमारी प्रॉपर्टी है तो इंडिया ने काफी ज्यादा कंसर्न जताया था इससे राइट तो ये देखो आसपास की सारी कंट्रीज को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट हनोई इज वियतनाम ये पूरा चाइना ये आग, चायना। तो चायना ये ये ग्वांगजू और और सब ऑल ऑफ दिस इज चाइना चाइना तो ने उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया इसका और चाइना क्या करता है चाइना एक डेड ट्रैप पॉलिसी खेलता है तो चाइना क्या करेगा जैसे जैसे इंडिया में ना कई सारे आप नॉर्मल में आपको चीजें बताता हूं आप लोगों ने जमीदार के बारे में सुना होगा है ना पहले वो जमींदार हुआ करते थे इंडिया में वो क्या करते थे गरीब किसानों को फसल उगाने के लिए लोन दिया करते थे। तो मान लो दस हजार रुपए का लोन दिया तो दस हजार रुपए परसेंट इंटरेस्ट लेंगे हजार मतलब वापस करने पड़ेंगे अब इंडिया में आज तक भी जो हमारी फार्मिंग होती है मोस्ट तो ऑफ पूरा क्रॉप डिपेंड करता है उनका कितना बारिश आएगी उसपे है ना दर क्रॉप डिपेंड अपॉन द रेनफॉल नाउ अगर उस सीजन बारिश नहीं हुई तो पंद्रह हजार तो छोड़ो बैक अब उस को कवर करने के लिए उनको एक और जमींदार से लोन लेना पड़ेगा जिसको पहले ही पता होगा कि इन्होंने किसेंट पे लोन लिया था वो बोलेगा कि मैं साठ परसेंट पे दूंगा तो ऐसे क्या होता है कि गरीब लोगों का फायदा उठा के ये जमींदार पैसे कमाया करते थे और मान लो अल्टीमेटली अगर फार्मर्स इनका लोन नहीं दे पाता था तो फार्मर्स का जो लैंड होता था चाहे वो कितना भी छोटा हो वो फिर वो उससे अपने नाम करा लेते थे

है ना चाइना आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है अब इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है कि आपके वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है है ना अब वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे आपका पर कैपिटल इनकम बढ़ता है आपका जीडीपी में इंप्रूवमेंट होता है लेकिन चाइना क्या करता है बहुत स्मार्टली वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसका जो एक तरह से कह सकते हो कि पूरा सुपरविजन होता है या फिर जो पूरा कंट्रोल होता है वो खुद के हाथ में ही रखता है और पाकिस्तान में आज अगर सड़क बन रही है रेल बन रही है रोड बन रही है कुछ भी बन रहा है ज मनी पाकिस्तान के पास जितना थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो सारा चाइनीज मनी है राइट right? तो वी वुट भी सरप्राइज अगर किसी दिन चाइना इतना बड़ा हो जाए पूरा ठीक है यहां पर पूरा चाइना हो जाए क्योंकि तो चाइना की तो वैसी भी आदत है चाइना इज दैट गुड वेदर फ्रेंड एंड चाइना गुड वेदर फ्रेंड क्या होता है जो आपकी खुशी के सामने रह, खुशी के साथ आपके साथ रहता है लेकिन जब आपका दुख आता है तो आपके साथ निकल जाता है ना अपना फायदा देखकर वो निकल जाता है तो चाइना क्या कर रहा है चाइना है तो गुड वेदर फ्रेंड की भी चलो पाकिस्तान के पास कुछ है तो पाकिस्तान के साथ पिछले पचास साल से पैसा नहीं आया है तो चाइना का लोन देने के लिए उनके पास कहीं से पैसा नहीं आने वाला है, है ना फर्स्ट प्रायोरिटी के लोन आई एम एफ की वो नहीं दे पाते वो राइट आईएमएफ तो फिर भी कभी कभी माफ कर देता है ये लगता है माफ करेंगे किसी को माफ नहीं करते है, तो ये पूरी कंट्री खा जाएंगे ऐसे इन्होंने श्रीलंका में किया श्रीलंका में इन्होंने श्रीलंका को उधार दिया था जब श्रीलंका वापस नहीं दे पाए ना पैसे तो श्रीलंका का एक हम्बन टोटा पोर्ट है इन्होंने 99 ईयर की लीज पर अपने नाम करा लिया हम्बन टोटा पोर्ट सिर्फ एज ऐसे नॉर्मल पोर्ट नहीं है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो हर जगह से ट्रेड रूट है प्लस उस पोर्ट से वो इंडिया पर पूरी नजर रख सकते हैं सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न तो चाइना का डेट डेट ट्रैप पॉलिसी है डेट का मतलब उधार ट्रैप का मतलब फसा लेना ठीक है डेट ट्रैप पॉलिसी है चाइना का कि भाई इन गरीब कंट्री को लोन दो आगे जाकर डेफिनेटली डिफॉल्ट करेंगे फिर इनको हम कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से तो ये यू कुड से आर प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर इन वन ऑफ दिस्पीचेज यूज सेड दैट चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वेन इट ट्राइज टू गिव लोन टू दीज कंट्रीज एंड अल्टीमेटली टेक्स कंट्रोल ऑफ दीज कंट्रीज दैट इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलाइजेशन हमने देखा था नाइनटीन फोर्टीज में इंग्लैंड ने फ्रांस ने

यूरोप का ट्रेड रूट विच इज कॉल्ड दी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईएमईसी लिख सकते हो आप इसके बारे में और डिस्कस करूंगा तो okay? oh, so, हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर गॉट साइंड एट जी ट्वेंटी समिट इन न्यू डेली जी ट्वेंटी समिट का वन ऑफ दी मेजर पॉइंट था कंट्रीज आर रियली ब्लाइंड पॉलिटिक्स ऐसी ही है

एनी वे इसके कौन कौन पार्टनर्स हैं यूएस इंडिया सऊदी अरेबिया यूएई फ्रांस जर्मनी इटली एंड द यूरोपियन यूनियन ठीक है दे हैव साइंड एन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ फॉर कमिटिंग टू वर्क टुगेदर टू डेवलप अ न्यू इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक है तो इसीलिए इट्स अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है दिस PGII. PGII एक बहुत बड़ा होंगी तो, तो, तो हम लोग जैसे बोलते हैं ग्लोबल विलेज तो दिस इज क्वाइट लिटरली ग्लोबल विलेज ना आप सोचो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को ऐसे कनेक्ट कर दोगे पूरा राइट विल क्रिएट प्रॉपर सी रूट्स एंड ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का कौन सा

रेलवेज और रोडवेज को आप एक तरह से देख सकते हो सी लेस वगैरह प्रॉपरली बनेंगे तो ट्रांसपोर्ट रूट को कनेक्ट किया जाएगा राइट right? अब इसमें क्या क्या है वॉट डज इट इंक्लूड इसमें एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कि इंडिया से गल्फ रीजन को कनेक्ट करेगा मैंने आपको बताया था ना यहां पर इंडिया था यहां पर गल्फ था यहां पर यूरोप था तो सबसे ईस्ट में हम आते हैं तो ईस्टर्न कॉरिडोर ठीक है जो इंडिया से गल्फ को कनेक्ट करेगा फिर भी है वो नॉर्दर्न कॉरिडोर जो गल्फ से यूरोप को कनेक्ट करेगा तो ऐसे दो कॉरिडोर है इसमें ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ओके मेलोनी हा मतलब दैट कुड वन ऑफ बट लेट्स नॉट गो आज मतलब मतलब हद ही होती है यार बतलब, देश में किसी आदमी ने इतना बड़ा इवेंट कराया है सालों बाद पूरी दुनिया दे, हमारे देश में आई है है ना और यहां पर मीम बना रहे हैं मतलब वो भी रैंडम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना और इतने फ्री लोग हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं मन करे मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल और जेनुअनली बताए आप गलती से एक मीम देख लो और आपको आप उसको लाइक कर दो या या उस हंस लो किसी को शेयर कर दो वही आते हैं वही मतलब, मतलब है आजकल मतलब और लोग एकदम गजब क्रिएटिव हो रहे हैं यार इनके साथ कुछ भी मतलब एकदम वो प्रॉपर बना रहे हैं अलग, अलग अलग और वो बाद में आई थिंक वो लोग भी आपने वो भी देखा होगा ना कि वो एक किसी से हाथ मिला रहे थे पहले और उसने हाथ नहीं मिलाया था एंड देन यू नो टर्न आउट वेल तो आपके साथ भी वैसे ही होगा ठीक है कभी कभी ऐसे लाइफ में ऐसा लगे ना कि यार, यार, लो हो गए किसी ने छोड़ दिया कुछ कुछ आगे बेटर है लाइफ में ठीक है तो इट इट इंक्लूड इन इलेक्ट्रिसिटी अ हाइड्रोजन पाइपलाइन है ना हाई स्पीड डेटा केबल पूरा जो आई एम है ना इट इंक्लूड दिस एज वेल ठीक है अदर देन दूट दिस इज ऑल्सो देयर ठीक है प्लीज ये लिख लेना दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द आई एम ई सी कॉरिडोर विल सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन्स इंक्रीज ट्रेड एक्सेसिबिलिटी एंड इंप्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन लिखने की जरूरत नहीं है बहुत ही क्लियर सी बात है अगर मैं ट्रेड रूट बना रहा हूं तो मैं क्यों बना रहा हूं मैं ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए बना रहा हूं ना ताकि मेरी ट्रेड आसान हो सके दैट इज राइट एन इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक है तो प्रॉपरली आप कह सकते हो कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो आ, ट्रेड में टाइम कम हो जाएगा सेकेंडली ये बहुत सारी जॉब जनरेट करेगा है ना इवन फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज द स्टार्टिंग कंट्री एक पार्ट से राइट तो बहुत सारी जॉब जनरेट करेगा विच इज वेरी गुड फॉर अस हमारे लिए बहुत अच्छी बात है वो राइट और काफी सारी चीजें हैं कि कॉस्ट कम हो जाएगी प्राइजेस जनरली कम होंगे ऐसा भी देखा गया है कि जो पूरा रूट है ना इसको काफी ज्यादा इको फ्रेंडली रखा जाएगा तो वो ग्रीन हाउसेस ग्रीन हाउस गैसेस का जो इश्यू है वो भी काफी हद तक सॉर्ट कर पाएंगे ओके okay, तो यहां कौन से कौन से कनेक्ट होंगे अब ये आपको अच्छे से लिखना है ठीक है जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना वैसे ही इंडिया के पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट इन पोर्ट इन इन गुजरात गुजरात कांडला अगेन एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन नवी मुंबई ये इंडिया के तीन पोर्ट्स हैं जो जिससे कनेक्ट होंगे जो हम वेस्ट कोस्ट में जा, जो, इंडिया के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में आते हैं फुजाइरा जबेल अली एंड आबुधाबी ये तीन जगह कनेक्ट की जाएंगी ठीक है तो ये जो चलो मैं लिखवा देता हूं आपको ये जो तीन जगह है ना फुजाइरा जबेल अली और आबुधाबी ये तीनों यू में है तो मिडिल ईस्ट कोई कंट्री थोड़ी है मिडिल ईस्ट तो एक एरिया है ना तो फुजाइरा जबेल अली और आबूधाबी यूए ई में उसके अलावा दमाम और रास अल खैर ये दो पोर्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया में तो मिडिल ईस्ट का पूरा ये है ठीक है अभी मैं आपको ग्रीस का भी बताऊंगा इतना लिख लो पहले ठीक है ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सर्टन गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट्स दो ऐसे पोर्ट हैं विच इज द मुंद्रा पोर्ट इन in इंडिया जो गुजरात में है एंड दर इज इज हाइफा पोर्ट इन इजराइल इसको कौन कंट्रोल करता है सो दिस कम्स इज प्राइवेटली कंट्रोल्ड बाय द अडानी ग्रुप ऑल्सो तो अगेन ऑपोजिशन आप ना कभी भी ध्यान से मैंने अभी आज वे एक वीडियो देखा जिसमें अभी जी ट्वेंटी समिट का जो लोगो बना था ना तो जी ट्वेंटी समिट का लोगो इज समथिंग लाइक जी टू और यहां पर ना अर्थ बना हुआ है और यहां पर वो कमल बना हुआ है ठीक है अभी वो फ्लावर बना हुआ है तो आ, जो मल्लिकार्जुन खारगे हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में तो उन्होंने अभी हाल ही में बोला वहां पर राज्यसभा में खड़ा होकर जो अभी जी टू समिट हुआ था हाल ही में तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने करेक्ट करा कि अरे जी टू नहीं था जी ट्वेंटी था तो उन्होंने कहा जीरो तो दिख ही नहीं रहा था पता है, आज मैंने इसको फिर ध्यान से देखा आप लोग जाकर देखना उसमें जीरो नहीं दिख रहा है उसने वो जीरो की जगह अर्थ बना रखा है और कमल बना रखा है नीचे सो दैट दैट समथिंग क्वाइट मतलब उन्होंने एक्चुअली इन्वाइट किया वाइस प्रेसिडेंट को क्वेश्चन को उनको करेक्ट करने के लिए जान के गलत बोला उन्होंने कि वो तो जी टू सबमिट हुआ है ऐसे करके काफी इंटरेस्टिंग था वो वीडियो आपको मिल जाएगा आप देखना ठीक है तो ये कुछ पोर्ट्स हैं उसके अलावा अगर हम अब यूरोप की बात करें तो साउथ इटली में एक मेसिना पोर्ट है वो इससे कनेक्ट होएगा ठीक है एक मार्से पोर्ट है फ्रांस में वो इससे कनेक्ट होएगा और एक पेरिस पोर्ट है ग्रीस में वहां तक जाएगा ग्रीस इज द लास्ट कंट्री राइट तो ये सारे वो होंगे तो अभी आपने लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था तो इंडिया में मेजरली क्या है सॉरी इंडिया में नहीं पूरी दुनिया जो जो, जो इस एरिया है ना ये पूरा जिसमें हम बात करें मिडिल ईस्ट इंडिया एंड ऑल सो वी डिपेंड अपॉन सुइस कैनाल एंड मेडिटेरेनियन रूट्स अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि एक तो इससे इतने ज्यादा ट्रेड होता है सेकेंडली यहां पर लास्ट ईयर एक बोट फंस गई थी अगर यहां पर कोई बोट फंस जाए तो उसको निकालने का कोई तरीका ही नहीं है मतलब तरीका तो है ही लेकिन एक बार वो इतना बड़ा बोट फंस गया उसके बाद में और बोट आई नहीं पा रही उनको पीछे लाइन लगानी पड़ी जैसे आप सड़क ट्रैफिक जाम देखते हो ना उस टाइप का हो गया तो इस तरह से प्रॉब्लम क्या हुई कि कई लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया राइट right? क्योंकि वो एक ही रूट है छोटे छोटे से वहीं से, वो इतने से है, वही सारी शिप्स वगैरह निकलती हैं तो ये एक तरह से आपको एक अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा प्लस ये रूट्स ना बहुत लंबे तो आता है ना? आपको गामा के बारे में टू टू स्पाइसेस देखने वो कैलिकट पोर्ट पे आए थे है ना तो पोर्चुगल इज समवेयर इन एकदम वेस्ट यूरोप में ठीक है पोर्चुगल से थे वही वो सो पॉर्चुगीज ट्रेडर वो है साउथ अफ्रीका के नीचे से घूम के इंडिया पहुंचे थे अब ये रूट ना ऐसा है तो हमने हमने अभी कभी भी ये पढ़ा है ना कि भाई सीधी लाइन कहीं से कहीं खेचो तो दैट इज दॉर्टेस्ट रूट है ना किसी को ऐसा करोगे तो वो तो लंबा ही रूट हो जाएगा सो दैट इज इट मेक्स इट क्वाइट सिंपल आगे जाके राइट तो आई एम ई सी बाईपास इज पाकिस्तान ओवरकमिंग इट्स वीटो ऑन इंडिया बेस्ड कनेक्टिविटी टू वेस्ट तो पाकिस्तान हमेशा एक वीटो करता है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे इंडिया के इंडिया कोई भी ऐसा रूट बनाएगा नहीं तो हमने से पाकिस्तान को रखा ही नहीं है ना खत्म करो और हमें पता है कि मतलब यहां पर क्या होगा कि जैसे एक दो एक सारी कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करेगी कि कभी कभी आपको उधार देना पड़ सकता है कुछ देना पड़ सकता है और पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन ही नहीं है ना मतलब वी डोंट हैव अ ट्रेड रिलेशन आफ्टर द पुलवामा अटैक इंडिया पाकिस्तान हैज नो ट्रेड रिलेशंस तो इंडिया से वो ट्रेड पाकिस्तान में होगी ही नहीं एनीवे anyway, वे

जी को लॉन्च किया गया इसके अंडर एक प्रोजेक्ट है IMEC, जिसको इस साल के जी ट्वेंटी है टू हेल्प इंफ्रास्ट्रक्चर दैट उसके अलावा इट्स री लॉन्च ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बाय यूएस एंड इट्स तो देखो यार यूएस इज वेरी यू कुड से थ्रेटन बाय चाइनाज ग्रोथ है ना जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है यूएस को लग रहा है कि अब ने, तो सुपर पावर पता है कोई भी दुनिया का सुपर पावर होता है ना वो सौ साल के लिए सुपर पावर होता है फिर उसका एक राइवल आ जाता है तो यूएस बिकेम द सुपर पावर समवेयर क्लोज टू यू कड से उसके आसपास यूएस बिकेम द सुप्रीम पावर इन वर्ल्ड बीच बीच में उसका यूएसएसआर से थोड़ा सा वो था बट यूएसएसआर धीरे धीरे फिर वो डिसमेंटल हो गया तो रशिया इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफ नाउ उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स और वो सब बट ओवरऑल देखा जाए तो इट इज नॉट एज पावरफुल अब देखा जा रहा है कि बाय 2050 चाइना कैन एक्चुअली ओवरटेक यूएस यू एस ग्रोइंग और वो जो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है ना दुनिया के हर जगह यू विल फाइंड चाइना का प्रेजेंस राइट right? तो वहां पर वो है तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू किया था दैट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चाइना तो उसको एक तरह से रीलॉन्च करा गया एज पीजीआईआई ठीक है इट्स अ रीलॉन्च ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ओके अब टुगेदर विद द सेवन बिलियन डॉलर ये लोग इकट्ठा करेंगे बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन क्योंकि आप सी रूट बनाओगे uh, रेल रोड बनाओगे तो पैसा चाहिए उसके लिए तो सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर विल बी अमास्ड बाय दीज कंट्रीज बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा एक यूएस uh, का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसने थर्टी मिलियन प्लेज करने के लिए बोला है इन दी ओमनी फॉर एग्रीटेक एंड सस्टेनेबिलिटी फंड इन इंडिया तो इंडिया का एक फंड है चलो लिख लेते हैं इसके बारे में ठीक है इंडिया का फंड है इट्स गोइंग टू इन्वेस्ट मैं ज्यादा मूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे मूव करने से स्क्रीन ब्लर होती है मुझे ऐसा लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ खड़े खड़े स्टेगनेंट होकर पढ़ाऊंगा ठीक है तो दे आर डूइंग थर्टी मिलियन इन दी ओमनी फॉर एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी फंड इन इंडिया है ना अजीब दुविधा है मतलब अपनी क्लास में आदमी चल भी नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता खड़ा है बस ठीक है एनी वे ठीक है तो इट्स बेसिकली रिस्पॉन्स टू चाइना बी आर आई बी आर आई के बारे में मैं आपको जाके आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा राइट right. क्या करे यार ऐसे ही है चलो लेट्स मूव तो यहां पर ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली आप कह सकते हो कि आगे जाकर कनेक्ट करेंगे तो दिस इज नॉट जस्ट कि इससे कोई ट्रेन चली जाए या कोई ट्रक चला जाए या फिर कोई शिप चली जाए हर तरह से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ठीक है तो आगे जाकर एक ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी दैट वुड कनेक्ट यूरोप एंड लैटिन अमेरिका ऑल्सो मतलब साउथ अमेरिका तो यूरोप और साउथ अमेरिका को भी आगे कनेक्ट किया जाएगा दिस इज नॉट इट टू राइट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना इसका पैसेज आपको इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में भी दिया जा सकता है राइट वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं वो तो आपके करंट अफेयर्स में आ जाती हैं लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो मान लो कि जिसपे बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है बट ओपिनियंस वगैरह है वो चीजें इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में दी जाती है अगर आप फर्स्ट सैंपल पेपर जो सैंपल क्वेश्चन आए थे अभी कंसोर्टियम के उसको रिकॉल करो तो उसमें पूरा वो जयशंकर वाला वो दे रखा था जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला था ना uh, तो दैट वॉज समथिंग वो काफी ज़्यादा पॉलिटिकली uh, कह सकते हो कि ब्लास्ट हुआ था उस समय एक तरह से काफी न्यूज में हर जगह आ गया था था वो वो right? बट like एक तरह से था. तो ये लिख लो एरियाज है, है ये लिखना इंपॉर्टेंट है पहला है ठीक है प्लीज राइट दिस डाउन द फर्स्ट फोकस एरिया इज हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी सेकेंड इज डिजिटल कनेक्टिविटी थर्ड इज जेंडर इक्वालिटी इन इक्विटी एंड फोर्थ इज क्लाइमेट एनर्जी सिक्योरिटी चार इसके फैक्टर्स हैं जिसके जो जिस पर ये मेजरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओके okay?

राइट right? में इसको फॉर्म किया गया था सारी की सारी जी सेवन कंट्रीज जी ट्वेंटी ये कुछ कंट्रीज हैं इसके बारे में हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे सो so, अगर आप बहुत डिटेल में इसको लिखने की जरूरत नहीं लिखने तो यू कैन स्टिल राइट है मोटा मोटा बताऊंगा सिर्फ सिर्फ मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना वही लिखना इसको 2013 में लॉन्च किया गया था ये लिख लो इट वॉज लॉन्च इन 2013। इटली ने हाल ही में इससे कर लिया है। okay. कुछ कुछ ऐसी हैं जो आई जो ई जो अभी साइन हुआ है ना उसका भी पार्ट है और एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है विच इंक्लूड यू ए साउदी अरेबिया इटली तो आउट हो गई बट सऊदी अरेबिया पार्ट ऑफ बोथ उनको चाहिए डेवलपमेंट और वो ऐसी कंट्रीज है कि उनको चाइना नहीं लूट सकता उनके पास बहुत पैसा है तो वहां पर आप नहीं जाके बोल सकते तो है, फाइनल है। तो वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है वहां पर ऐसा नहीं कोर्ट ने बोल दिया कि अरे आपने चाइना से लोन लिया था तो अब आप चाइना के लोन वापस करो वरना अपना उनको एसेट वापस करो वहां कुछ नहीं है वहां किंग भगा देगा सबको ठीक है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पुराने जमाने में आपने सुना होगा अगर आपने आई थिंक नाइन्थ की हिस्ट्री में या टेंथ की हिस्ट्री में आते हैं तो सिल्क रोड क्या करता था चाइना से पूरे यूरोप और बाकी सारी जो एरियाज है ना आस आसपास के उसको कनेक्ट किया करता था राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था उस समय का राइट तो इसीलिए एक तरह से वो सिल्क रोड को वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट सिल्क रोड उससे भी बड़ा वर्जन है उस सिल्क रोड का राइट तो यहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का मैरी टाइम सिल्क रोड है तो land, water, और जो जनरली रेलवेज रेलवे उसमें भी वो आएगा ठीक है यहां पर कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है ये लास्ट पॉइंट है पांच मेजर प्रायोरिटीज है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ये लिख लो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अन ट्रेड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिंग पीपल ये इन्होंने पांच ऑफिशियली रिलीज करी है ठीक है ये लिख सकते हो तो अगर आज से मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में वन फोर्टी सेवन कंट्रीज ज्वाइन दिस कंट्रीज ने पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ट्रेड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिंग पीपल यू यू कैन कैन टेक अ राइट इट एज वेल आर वी क्लियर विद दिस एनी डाउट टू एनी बडी एनी बडी यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन लाइक आई ओटा ऑफ वॉट आई टॉट यू आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट right? चलो अब कुछ एक क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं है ना आपको इस क्वेश्चन इस क्विज में सारे आने चाहिए क्योंकि मैंने आज ही पढ़ाया है ये है ना आप अगर ये नहीं आएंगे तो बिल्कुल ऐसे दुख की बात होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी तो प्लीज रीड दिस एंड देन वील गो ऑन टू द्वेश्चन ओके चलो Project Tiger was launched by the government in the year Dash at which National Park? Patao? The correct answer is option number B. It's uh, 1973 from the Jim Corbett National Park. ठीक है दिस इज प्रोजेक्ट टाइगर आज से 50 साल पहले उसको लॉन्च किया गया था इंडिया फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट द चीता रिलोकेट फ्रॉम विच कंट्री ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ना मतलब मेरे हाथ से पेन गिर गया अभी जस्ट और ये ऐसी जगह जाके गिरे है कि निकलेगा भी नहीं अब मुझे कभी कभी मेरी अपनी किस्मत ही समझ नहीं आती है बट ठीक है चलो है ना तो आ, करेक्ट आंसर अभी हमने जस्ट पढ़ा था है ना तो ए करेक्ट आंसर नमीबिया से पहले वो जो आठ चीता का कंसाइनमेंट आया था व्हाट इज चीता अभी पढ़ा ये भी हमने चीता का साइंटिफिक नेम क्या है आसान है ऑप्शन नंबर डी ठीक है इट्स जुडेटस और जुबैटस चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट एम टू अचीव व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल रेट इन दी फर्स्ट ईयर गाइस एक किया है, है हमने अभी मैंने आपको अपना दुख भी व्यक्त किया था इस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इट एम्स टू अचीव अ गुड ऑप्शन नंबर एक सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर फिफ्टी परसेंट लास्ट क्वेश्चन नेशनल टाइगर अथॉरिटी किस तरीके की बॉडी और उसको कब फॉर्म किया गया था आज क्लास में करें, right? so, sure कि अगर प्रोजेक्ट चीता पर क्वेश्चन आया तो आपसे गलती नहीं होगी ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी इट्स अटैचूटरी बॉडी इट वॉज ब्रॉट अंडर अ लॉ इन टू राइट सो

Bring a solution for all of it. I am in the process of the same and बहुत ही जल्दी आपको मैच से सरप्राइज देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करो। Till then we'll continue with this and tomorrow is a Sunday, so we'll keep a day off. You guys can also take a day off. We'll re we'll restart from Monday. ठीक है? Thank you so much for being a part of this again. I hope it was useful. कुछ भी अगर doubt होता है ना मेरे टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ comment box में लिख दिया करो। I will take it from there and answer it for you guys. ठीक है? Thank you.